अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेस्टर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंस कोट की कटिंग बताऊंगा, बंद गले कोट की कटिंग बताऊंगा, 36 साइज की कोट की कटिंग बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही डीपली बताऊंगा, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, उसके बाद देखो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले बैक काटेंगे, स्क्वायर लेके आपको इस तरह से एक निशान ले लेना है। उसके बाद लेंथ में आप जितना दबाव रखना हो, 1.5 इंच 2 इंच आप रख दीजिए। लेंथ दोस्तों 28.5 है, नाप मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं 28.5 लेंथ है। तो ये हम 28.5 रखेंगे, ये एक निशान लगा लेंगे, 1.25 इंच नीचे एक मार्क लगा लेंगे। 36 साइज कोट है दोस्तों, तो 1/2 इंच कम करेंगे यानी 8.5 पे ये मार्क लगाएंगे और उससे 1/4 इंच ऊपर एक मार्क ये लगाएंगे। पेट का निशान दोस्तों लगा लेंगे 17 इंच पे, लगभग यहीं पे पेट आता है दोस्तों 17 इंच पे। अब स्क्वायर से सारे निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा, प्रिंस कोट है ये। अब हम लोग बैक का शेप दे देंगे, जैसे कि हमने और वीडियो में बताया है शेप किस तरह से दिया जाता है, तो उस तरह से आप ये शेप का निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान पे हम लोग शेप पट्टी रख के इसको शेप दे देंगे इस तरह से। ना भली दोस्तों एक दोस्तों इधर उधर हो जाए, लेकिन शेप खराब नहीं होना चाहिए। शोल्डर दोस्तों 17.5 है, 36 साइज का कोट है, तो हम लोग इसकी तीक रखेंगे 3 इंच। शोल्डर 17.5 है तो 9.25 ये मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच सिलाई चली जाएगी दोस्तों। क्रॉस बैक हमने राम नाप रखी है, क्रॉस बैक रखेंगे हम लोग 7.5 इंच ये। अब दोस्तों छठा हिस्सा, यहाँ का पेट जो भी पेट होता है उसका छठा हिस्सा रखते हैं, तो 34.5 है, तो छठा हिस्सा होता है 6×36 यानी 34.5 है, तो हम लोग 6.25 इंच पे ये पेट का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे भी छठा हिस्सा होता है तो 37.5 है, तो 6 से 1 सूट जाता है, 6.25 से निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब आप लोग इस तरह से शेप दे देंगे, थोड़ा सा कस्टमर लूज पहनता है तो इसको हम लोग बहुत फिट में नहीं काटेंगे, लूज फिटिंग पर ही थोड़ा रखेंगे। जैसे कि हमने कहा शेप देते वक्त सूत दो सूत इधर उधर हो जाए वो चलेगा, पर शेप खराब नहीं होना चाहिए। ये हम लोग 1.5 इंच 2 इंच, अगर कपड़ा साइज कम है कपड़ा ज़्यादा है तो आप लोग 2 इंच साइड चाक का दबाव रखिए। साइड चाक हम लोग ज़्यादा आजकल नहीं खोल लिए, तो लगभग 7.5 इंच खोल देंगे। ये मेरा ऑर्डर नंबर हो जाएगा। अब इसको इस तरह से निशान लगा देंगे, तीन का निशान लगा चुके हैं और लोग उसको भी सीधा कर लेंगे इस तरह से, एकदम बीचों बीच में इसके एक निशान लगा लेंगे 1/4 इंच। ये इस निशान से 1/4 इंच तीक उठा देंगे इस तरह से दोस्तों। उन लोग ये मेरी तीक का निशान लग गया है। अब शेप पट्टी लेके इस तरह से कंधे का निशान लगा लेंगे, ये मेरा कुटका यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। तो अब इसकी दोस्तों ये मेरी बैक का निशान कंप्लीट हो गया है, इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों हमने अपनी चैनल पे बहुत सी वीडियो डाल रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे हर एक चीज़ की कटिंग लगभग मैंने डाल रखी है, तो देख सकते हैं। कोट पैंट वेस्ट कोट सदरी शेरवानी कुर्ता पैंट पैजामा सबकी कटिंग मैंने डाल रखी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरी बैग हो गई है, अब हम लोग काटेंगे स्लीव्स, अस्तीन काट लेंगे इसी जगह से निकालेंगे हम लोग अस्तीन।
सबसे पहले स्क्वायर से आप कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरफ से। अब हम लोग यहाँ से 1.25 इंच नीचे एक मार्क लगा लेंगे। अब इसका गिराव हम लोग छठा हिस्से गिराते हैं, तो 6×36 होता है, तो 6/6 गिराएंगे जी। तो दोस्तों ये जो आपने 1.25 इंच नीचे एक मार्क लगाए थे, यहाँ से हम लोग लेंथ नापेंगे। 23 स्लीव्स की लेंथ है, ये नाप लिया हमने, निशान लगा लिया। अब इसको हम लोग टेप को वापस इस लाइन पर ले जाएंगे। अब ये लेंथ से जितना भी आधा होता है 24.5 है, 24.5 का आधा होता है 12.25, तो 1 इंच बढ़ा के 13.25 इंच पे ये मार्क लगा देंगे। अब सारे निशान को स्क्वायर से सीधा कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 36 साइज का कोट मैं बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी लोग पूछते हैं आपके पास 36 साइज का कोट बताइए, तो मैं 36 साइज का ही बता रहा हूँ। इस तरह से हम लोग आप दो शेप दे देंगे, यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ पे 1/4 इंच और इस पॉइंट पे मिला देंगे। डेढ़ इंच पे एक मार्क और लगा देंगे, यहाँ से 1/2 इंच पे एक मार्क और लगा देंगे। मोरी दोस्तों हम लोग रखेंगे 1.25, 10.5 इंच मोरी आएगी, तो उसका आधा होता है 1.25, तो 1.25 हमने ये मोरी का निशान लगा दिया है। अब दोस्तों 36 चेस्ट है, तो 9 होता है, 1/2 इंच कम 8.5 पे ये एक मार्क लगा देंगे। अब ये दोनों का आधा कर लेंगे 8.5 का, तो 4.25 ये, और यहाँ पे 1 इंच 8.5 ये हुआ, 8.5 ये है, तो 1.5 इंच लगभग 1.5 इंच 1/2 इंच जहाँ पे भी आपका शेप अच्छा है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब आप जब शेप पट्टी रखेंगे तो वो खुद ही बता देगा कि कहाँ पे मेरा शेप जा रहा है। एक सूत इधर उधर आप यहाँ से जा सकते हैं, तो बहुत टाइट नहीं पहनते, इस वजह से हम लोग बहुत फिटिंग में नहीं काटेंगे। अब 1/2 इंच ऊपर एक मार्क ये लगा लेंगे स्क्वायर से, इसको भी मिला लेंगे। आपको जितना दबाव रखना हो स्लीव लेंथ का, 2 इंच 1/2 इंच मार्क रख दीजिए। अब ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया था, इसको भी इस तरह से मिला लेंगे, और ये जो 1/2 इंच नीचे एक मार्क लगाए थे, इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 1/4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे स्क्वायर से, इसको भी मिला लेंगे। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला लेंगे, जैसे हम लोग हर सीरीज में करते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग 1/4 इंच पे एक मार्क ये लगाएंगे। अब इसको गुलाई जो है स्लीव्स की गुलाई को इसी पॉइंट से लेके जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आस्तीन काटने में कोई परेशानी नहीं हो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 9 आएगा, यानी 36 सही है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट नापेंगे, तो चौथाई का हिस्सा आएगा, चौथाई हिस्सा आएगा। तो अब ये मेरी स्लीव्स हो गई है, अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा तो पूरे डिटेल से आपको समझाऊं। इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। दोस्तों ये मेरी गोला कट गया है, हम लोग ताल काट लेंगे। इस तरह से हम लोग इस जगह पे से ताल निकाल लेंगे, इस तरह से रख के सारे बैलेंस के निशान को अब ले लेंगे। इस पॉइंट पे इस तरह से निशान लगाएंगे, ये मेरा बैलेंस का निशान हो गया है। अब दोस्तों 2 सूत पे ये मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच पे ये मार्क लगाएंगे इस जगह से, और 1/4 इंच पे ये मार्क लगाएंगे। मैं नाप के आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको एक आइडिया है, नाप के बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। अब इस मार्क के नीचे भी आप लोग निशान लगा लेंगे इस तरह से।
अब अस्तीन को आप लोग इस तरह से रखेंगे इस निशान पे, ये इसको भी बैलेंस ले लेंगे सारा, और एक निशान इस तरह से मार लेंगे, उसके बाद हटा लेंगे स्क्वायर से। अब इस तरह से इसको ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे दोस्तों। ये जो आपने निशान लगाया था हल्का हल्का, इसको भी पक्का कर लेंगे। इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। अब हम लोग ये गुलाई दे देंगे दोस्तों, इस तरह से। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा दबाव यहाँ पे रखेंगे, जो कि ट्रायल के बाद हम लोग दोस्तों सारे दबाव को निकाल देते हैं। अस्तीन में भी थोड़ा सा हम दबाव ज़्यादा लेके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लूज ये पहनने के लिए हमसे बोला था, और ट्रायल के बाद हम इसको हल्का कर देंगे। इसको भी इस तरह से काट लेंगे, इसको इस तरह से। दोस्तों ये मेरी अस्तीन की कटिंग लगभग ये कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग अगर आर्मोर की गोलाई नापना चाहें तो वो इस तरह से नाप सकते हैं, जैसे आपको लगे कि कहीं अस्तीन बड़ी ना हो जाए, छोटी ना हो जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, नम ज़्यादा देना ना पड़े, तो इस तरह से आप लोग एक बार गोलाई भी नाप लीजिए। इस तरह से 13 से 100 कम, ये मेरा 21.5 आ रहा है। अब हम लोग जब सामना लिखेंगे तो उसके आर्मोल की भी गुलाई नाप लेंगे, लगभग 1.5 इंच अस्तीन बॉडी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम लोग सर का निशान बना लेंगे इस तरह से। हम लोग कपड़े को बिछा लेंगे दोस्तों। अब बैग ले लेंगे, बैग को इस तरह से रखेंगे। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, तो वो पीस हम लोग कभी काट के निकाल लेंगे। इसके बाद बैग को रखने के बाद सबसे पहले एक निशान ये लगा लेंगे, 1.5 इंच, लब से 1.5 इंच, 2 इंच। अगर पेट वाले इंसान है तो आपको लगता है कि पेट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे दबाव थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, जिससे कि पेट निकाल सके। अब सारे निशान को इस तरह से स्क्वायर रख के बराबर कर लेना, इस तरह से। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सारे बैलेंस के निशान को ले लेना है। अब जैसे कि हम हर कोट में करते हैं, चेस्ट पे लगाएंगे हम लोग 4.5 इंच पे, पेट पे लगाएंगे 3.5 इंच पे इस निशान से, और हिप पे लगाएंगे 3 इंच पे मार्क। अब हम लोग क्रॉस बैक नाप लेंगे, लगभग 7.5 पौने 8 तैयार आ रही है, तो 7.5 ये रखेंगे। चेस्ट 36 है तो 18.5 इंच सिलाई। पेट पे भी इस तरह से देख लेंगे, 6 इंच तैयार आ रहा है, तो 6 इंच इस मार्क पे रखेंगे। 34.5 है तो 17.5 होता है 1/2 इंच सिलाई, ये चलिए रहेगी। हिप पे भी देख लेंगे दोस्तों, 6.25, हिप कितनी आ रही दोस्तों मेरी, 6.25 आ रही है, तो 6.25 ये रखेंगे। 37.5 हिप है तो 19.5 होता है 1/2 इंच सिलाई। ये हमने निशान लगा दिया। अब हम लोग को शेप देना है। अब शेप जब रखेंगे आप शेप पट्टी, तो हो सकता है ये 2 सूट बाहर जाए, तो उसको जाने दीजिए इस तरह से। हम लोग शेप देंगे,
दो सूर्य बाहर जा रहा है तो हम लोग क्लब से निकाल देंगे, लेकिन शेप अच्छा रहेगा। ऐसे हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वो आपको समझ में आने लगेगा कि शेप किस तरह से दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिक आप लोग करने लगेंगे। अब बैग को हम लोग इस तरह से रखेंगे, दो सूत बैग को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद सारे बैलेंस के निशान को ले लेंगे। इससे क्या होगा, पीछे से बैग मेरी लटकेगी नहीं। अब बैग को हटा लेंगे, सारे निशान को अब हम लोग इस तरह से मिला देंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो, इस तरह से हम लोग सारे निशान को मिला देंगे। इसके बाद अब हम लोग लगाएंगे तख्ती, 36 है सिंगल ब्रिस कोड में। दोस्तों हम लोग चौथाई चेस्ट से की चौथाई से हाफ इंच कम करते हैं तख्ती, इसमें हम लोग 1 इंच कम करेंगे, तो 8.5 पे अभी हम लोग लगाते हैं। चौथाई होता है इसका 9 इंच, तो अभी हम लोग 8.5 पे ही इसको लगाते हैं। अभी जब आर्मोर का निशान लगाएंगे तो हाफ इंच और अंदर चले जाएंगे, तो तख्ती 1 इंच कम हो जाएगी। अब 5 इंच इस जगह पे इस तरफ से निशान लगाएंगे, अब हल्का सा, क्योंकि अभी हमको ये हमने अंदर किया है तो लग से 2 सूत निकालना पड़ेगा, तो कुछ हिसाब से उस बात को ध्यान में रखते हुए ये निशान लगा लेंगे हम लोग इस तरफ से पूरा नीचे तक ले जाएंगे इसको, क्योंकि स्क्वायर दावन है, राउंड दावन नहीं ना। अब हम लोग फाले के निशान दोस्तों किस तरह से लगाते हैं देख लीजिए। ये दूरी है 7.5, इसका आधा होता है 4.25, तो 1/2 इंच इधर कर देंगे, आधा करके 1/2 इंच इधर आपको कर लेना है, 4.25 होता है आधा, तो ये 1/2 इंच इधर आ जाएंगे। अब इस तरह से हम लोग यहाँ से दोस्तों 1/4 इंच ऊपर एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से। ये अब ये लगभग यहाँ से 3.75 इंच पे ये हम लोग फाला का निशान लगाएंगे इस तरह से, एक कच्चा निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप लोग बैग लेंगे, बैग की तीक नाप लेंगे कि कितनी तैयार आ रही है, इस तरह से देख लेंगे। ये मेरी 3.25 इंच 1 सूत तैयार आ रही है, तो अब हम लोग 3.25 इंच 1 सूत ये रखेंगे इस तरह से। 16.5 दोस्तों, 16.5 मेरा कॉलर है, तो यहाँ पे हम लोग निशान लगा देंगे इस तरह से, हाफ इंच का गैप हो रहेगा। अब इसको हम लोग पक्का कर लेंगे जी, मेरा हाले के निशान लग गया। और इसके हम लोग बैग की कंधी नाप लेंगे, 2 सूत ज़्यादा होती है कंधी, तो 2 सूत हम लोग ये कम रखेंगे, लगभग 6.5 आ रहा है, तो हम लोग 6.25 इंच ये रखेंगे। दोस्तों शेप बहुत मायने रखता है इसमें, नाप भले ही 2 सूत इधर उधर हो जाए, लेकिन शेप अच्छा दिखना चाहिए इस तरह से। जैसे कि हमने कहा था 1/2 इंच हम लोग अंदर आएंगे, तो ये देखिए दोस्तों 1/2 इंच हम लोग अंदर आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ से 1/4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे ये, और लगभग 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे इसके बीच। अब हम लोग चेस्ट की क्लोजिंग नाप लेंगे, 7.5 क्रॉस बैक आएगी, 7.5 ये रखा हमने, सादा ही सिलाई चली जाएगी, ये मेरी डाट दब जाएगी, ये 21। देखिए दोस्तों चेस्ट पे 3 इंच लूजिंग आ गई, आर डाउन की बात करें तो 6 इंच लूजिंग, तो ये ठीक है। अब हम लोग लेंथ देख लेंगे, लेंथ का निशान ये 1/2 इंच मेरी सिलाई चली जाएगी, जितनी भी लेंथ है उससे 1/4 इंच आप बढ़ा दीजिए, 28.5 लेंथ है तो 1/4 इंच हम लोग बढ़ा के रखेंगे। फ्यूजिंग होता है तो थोड़ा बहुत कपड़ा खींचता है, बिल्कुल सीधा आपको नहीं खींचना दावन का, स्क्वायर दावन है, तो इसको हल्का सा ऐसे खींच के इस तरह से बराबर रख लेंगे कि बहुत चोंच नहीं बने यहाँ पे इस तरह से। अब इसको भी इस तरह से खींच लेंगे, ये लेंथ का निशान लगा लिया हमने। अब हम इसकी पॉकेट का निशान लगा लेंगे, तो ये पॉइंट से तख्ती से 2 इंच पीछे जाएंगे दोस्तों, और बहुत बड़ा साइज़ नहीं है तो 3.5 इंच, दोस्तों बड़ा साइज़ नहीं है तो 2 इंच आप लोग पीछे मत जाइए, 1.5 इंच पीछे जाइए और 3.5 इंच की वायलेट लगाइए इस तरह से, दोनों निशान को मिला लीजिए, और 1/4 इंच इसको हल्का सा तिरछा रखिए
मैं नाप के लिए बता रहा हूँ, मैं मुजबानी बता रहा हूँ, तो आप लोग पौनी जिसको तिरछा रखिए और इसके बीच में एक मार्क लगा लीजिए वालियट के, 3.5 का है तो 2.25। अब 2.25 लगाया तो डब से नाप लीजिए इसकी दूरी 4.5, तो यहाँ पे भी एक निशान लगा लीजिए। पॉकेट का निशान दोस्तों हम लोग लगा लेंगे 9.5 इंच पे, लगभग यहीं पे पॉकेट आएगा इस तरह से, यहीं से इसको हम लोग सीधा कर देंगे। अब ये जो आपने निशान लगाया था डब से वालियट के बीच से, इसको भी इस तरह से ले जाएंगे, यहीं पर इसको बुझा देंगे पॉकेट के 1/4 इंच नीचे। पॉकेट लगाएंगे 5.5 इंच पे, नहीं पॉकेट लगाएंगे यहाँ से और 1 इंच पीछे यहाँ से जाएंगे और यहाँ से भी 1 इंच पीछे जाएंगे इस तरह से। स्क्वायर से बीच वाले निशान को इसको मिला लेंगे और इस निशान से नीचे दामन तक ले जाएंगे। अब शेप दे देंगे यहाँ पे भी हल्का सा इस तरह से, हालांकि ज़्यादा शेप नहीं देंगे क्योंकि बहुत लूज़ पहनता है कस्टमर ये, तो थोड़ा सा हम लोग हल्का ही रखेंगे, थोड़ा सा लूज़ फिटिंग पर ही रखेंगे और 1/2 इंच नीचे, इसलिए यहाँ से हम लोग अनमोल की, सॉरी दोस्तों ठीक से निशान नहीं लग पाए, तो इसको हम लोग निशान सही से लगाएंगे इस तरह से, आपको निशान देने का। अब 1/2 इंच हम लोग यहाँ से नीचे आए तो इसको 1/2 इंच यहाँ पे डाट डालेंगे इस तरह से, इसको मिला लेंगे। अब दोस्तों हम लोग इसको डाट डाल देते हैं साइड, ये मेरा साइड ओपन हो गया, ये साइड चाक का निशान हो गया। अब इसकी एक बार लूजिंग मिला लेंगे, चेस्ट की हम लोग मिला चुके हैं 3 इंच लूजिंग है, पेट पे 2 इंच रखेंगे, हिप पे भी 2 इंच रखेंगे, 6 इंच तैयार आ रहा है दोस्तों पेट, तो 6 इंच ये हमने रखा, ये सिलाई चली जाएगी और ये डाट चली जाएगी, ये भी डाट चली जाएगी, 34.5 है तो दोस्तों 34.5 का आधा होता है 17.5, 2 इंच लूजिंग, 19, 2 इंच लूजिंग यहाँ आ रही है। अब हम लोग हिप पे देख लेंगे, 6.25 की सिलाई चली जाएगी, ये मेरी सिलाई यहाँ पे भी ढाट दब जाएगी इस तरह से, 37.5 हिप है तो 1/2 इंच ज़्यादा आ रहा है, 1/2 इंच हम यहाँ से पीस निकाल देंगे जब कटिंग करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बटन का निशान लगा लेंगे इस तरह से, पहला बटन 1/4 इंच पे लगाएंगे, उसके बाद ये लगभग यहाँ से दावन से 7.5-8 इंच की दूरी होना चाहिए, पहले बटन पे आप लोग टेप रख लीजिए। अब इसको 16.5 पे हम लोग निशान लगाएंगे, 16.5 का आधा होता है 8.25, इसका आधा होता है 4 इंच 1 सूत और 4 इंच 1 सूत, लगभग पेंस कोड में दोस्तों 5 बटन होता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मेरा ऑर्डर नंबर हम लोग लिख देंगे दोस्तों, हम लोग ने आस्तीन की गुलाई नापी थी ये 21.5, अब हम लोग बॉडी की भी गुलाई नाप लेते हैं, इससे आप लोग कभी धोखा नहीं खाएंगे। इस तरह से रखेंगे टेप को इस तरह से रखेंगे, 9 इंच 1 सूत, लगभग 9.25 इंच ये मेरा आ रहा है, 9.25 इंच हम लोग इस जगह पर रखेंगे, लगभग 14.25 दोस्तों, 14.25 मेरा सामने की गुलाई आ रही है। अब हम लोग बैक की भी नाप लेते हैं, 14.25 ये रखेंगे, ये मेरी सिलाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये 20 इंच मेरी बॉडी की आर्मोल आ रहा है, टोटल आर्मोल, और आस्तीन का आर्मोल है 21.5, यानी 1.5 इंच आस्तीन लूज है, तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब आप लोग इसको भी देख लीजिए, चेस्ट को भी देखिए, 36 साइज है तो ये देखिए 36, 9 इंच लगभग 1 सूत आया है, ये देखिए चौथाई के हिसाब से ये भी आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, कटिंग कर लेंगे दोस्तों, इस पीस को पूरा निकाल लेंगे काट, रखेंगे दबाव ज़्यादा एक्स्ट्रा रखेंगे टायर के बाद, सारे दबाव को निकाल देंगे दोस्तों, जहाँ पे शेप ठीक से नहीं लगा हो आप कैंची चलाते वक्त उसको ठीक करिए दोस्तों। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग दबाव ज़्यादा रखेंगे
एक्स्ट्रा दबाव लेके चलेंगे, ट्रायल के बाद सारे दबाव को निकाल देंगे। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं बताता हूँ आप बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करिए, कहीं भी कोई चीज़ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नाप भी लेता हूँ, काटता भी हूँ और मैं ही ट्रायल करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। दोस्तों ये मेरे प्रिंस कोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।